पूर्व इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का एक हुक्का पीते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में माही सूट पहने हुए हैं, अगल बगल कुछ लोग खड़े हैं और कथित तौर पर वो हुक्का पीते हुए उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि धोनी के हाथ में हुक्के का पाइप है और वो हुक्के का कश लेकर धुआं छोड़ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का और कहाँ का है दिल्ली लैंड टॉप इसकी पुष्टि नहीं करता। डी फेक के दौर में हमने कई हस्तियों के फर्जी वीडियो भी देखे हैं, मगर जनता ने तो वीडियो को पकड़ लिया है और अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस दौरान धोनी के साथ दिख रहे हैं तो कई लोगों ने पूर्व कप्तान धोनी को ट्रोल किया है। राजीव नाम के एक यूजर ने उन्हें विराट कोहली से सीखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि धोनी का हुक्का पीने वाला किस्सा हम हमेशा सुनते आए हैं और अब इसे देख भी सकते हैं। देश के युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जब उन्हें पता है कि वो कितने प्रभावशाली हैं। धोनी को कम से कम विराट कोहली से सीखना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यही कारण है मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। अब धोनी फैंस कहेंगे कि यकीन मानो भाई, फ्लेवर वाला हुक्का हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। वहीं ध्रुवी नाम के एक यूज़र ने लिखा, इस साल हमें धोनी को हुक्का पीता देखना होगा, कभी सोचा नहीं था। अनिकेत नाम के एक यूज़र ने लिखा कि धोनी की पूजा करने वाले लोग उनका हुक्का वाला वीडियो देखकर बिल्कुल चुप हैं। एक और यूज़र ने माही को डिफेंड किया, लिखा धोनी जो हुक्का पी रहे हैं उसमें तम्बाकू नहीं होता। एक यूज़र ने लिखा कि हर किसी की अपनी निजी ज़िंदगी होती है और ज़ाहिर तौर पर इस वीडियो को उनकी इजाज़त के बगैर कैमरे में कैद किया गया है, इसलिए इसका ज़्यादा हुआ ना बनाए। इससे पहले 6 जनवरी को महेंद्र सिंह धोनी का नाम उनके साथ हुए एक कथित फ्रॉड की वजह के चलते भी सामने आया था। धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर के खिलाफ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। रांची कोर्ट में दर्ज शिकायत के मुताबिक मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास के खिलाफ आरोप है कि साल 2017 में उन्होंने दुनिया भर में क्रिकेट अकेडमी खोलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते में बनाई गई शर्तों का पालन नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बताया कि 15 अगस्त 2021 को उन्होंने अर्का स्पोर्ट्स से अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया था। मिहिर और सौम्या इसी अर्का स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। उन्हें धोनी की ओर कई कानूनी नोटिस भी भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं केस को लेकर मिहिर दिवाकर का भी बयान आया, उन्होंने पलटकर पूर्व इंडियन कप्तान पर ही आरोप लगा दिए और कहा कि धोनी अपने नाम की बदौलत उनके कारोबार और सामाजिक रुतबे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी रविराज ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली लैंड टॉप। शुक्रिया।